जब आपका बॉयफ्रेंड सिर्फ एक आदमी ना हो पर टेक्नोलॉजी का चमत्कार हो, आपका जीवन उलट पुलट हो जाता है। ज्यादातर लोगों को सुबह पसंद नहीं होती और पिंकी भी उन्हीं में से एक है। मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे तैयार होना होगा। तुमने मुझे डरा दिया। ये पिंकी का बॉयफ्रेंड है और ये दूसरों की तरह नहीं है। केविन एक असली रोबोट है पर वो थोड़ा इंसानों जैसा है। रोबोट भी खूबसूरत बनना चाहता है और वो शानदार परफ्यूम की खुशबू लेना चाहता है। खैर ये बहुत ज्यादा है। हालांकि ये रहा एक बढ़िया सॉल्यूशन, कार एयर फ्रेशनर। तुम एक कार की तरह महक रहे हो। मुझे लगता है रोबोट खुश है। ये बढ़िया है। अब नाश्ता बनाने का समय है। केविन खाने का इंतजार नहीं कर सकता। पर मेरे सिर पर मत खड़े रहो, बस बैठो और इंतजार करो। इस तरह पिंकी अभी भी खाना बना रही है और केविन कटलरी की जांच पड़ताल कर रहा है। इसमें बिल्कुल भी तसल्ली नहीं है, पर वो नाश्ते में फूक के साथ एंजॉय कर रहा है। अविश्वसनीय, केविन के पास आयरन जॉज है और ये रहा हमारा खाना। केविन का पेट भर चुका है। तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। ये लो, थोड़ा साधारण खाना खाओ। पर लगता है केविन चाकू में ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओह नहीं, तुम उसे अपने मुंह में नहीं डाल सकते। उसे उसे बच्चों की तरह समझाना होगा। ओह हाँ, खाना हट जाओ। क्या वो अच्छे से काम नहीं कर रहा? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाने में बहुत मेहनत की थी। ओह इसका फायदा क्या? समय है मेकअप करने का। मेरे बालों को भी थोड़ी अटेंशन चाहिए। इस पर बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे क्या करना चाहिए? ये रहा केविन। मैं अपने बालों को स्टाइल नहीं कर पा रही। लगता है केविन के पास सॉल्यूशन है। वो उसके बालों की परेशानी को खत्म करने वाला है। चलो देखते क्या होता है। ओह नहीं, ये बहुत ओल्ड फैशन है। पिंकी खुश नहीं है। उसे इसे दोबारा करना होगा। हाँ जरूर। हेयर स्टाइल ऑप्शन नंबर दो, दो पोनीटेल्स। मैं 7 साल की बच्ची नहीं हूँ। पिंकी दोबारा दुखी है। केविन को उदास करना मुश्किल है क्योंकि वो स्टील से बना है और मल्टीफंक्शनल हैंड्स भी। वो बालों को शानदार स्टाइल दे सकते हैं। बहुत बढ़िया रिजल्ट। और सबसे जरूरी, आखिरकार पिंकी खुश है। हाइकिंग ये वीकेंड के लिए बढ़िया आइडिया है। पहले तुम्हें केविन को मनाना होगा। रोबोट के दिल तक जाने का रास्ता है सर्किट और चिप्स। हे केविन, इधर आओ। अपने बॉयफ्रेंड के इमोशंस को काबू में रखना एक बहुत बढ़िया बात है। केविन को अनजान रहने दो। हाँ बहुत मजा किया, चलो कुछ और ट्राई करें। ये लो, ये बहुत मजेदार चिप्स हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि केविन अब क्या करेगा। वाह, अब थोड़ा बदलाव हुआ है। वो तैयार है पर वो कहाँ जा रहा है? ये बहुत मजेदार बदलाव है। पर पिंकी को ये मौज मस्ती पसंद नहीं आई। दूसरी कोशिश और दोबारा नाकामयाबी। नेट के साथ एस्ट्रोनॉट। क्या तुम तितलियों के लिए हाइकिंग पर जा रहे हो? पर तुम एडवेंचर पर नहीं जा सकते। ये लो जिसकी तुम्हें जरूरत है। अब केविन एक असली एडवेंचरर लग रहा है। तुम ऐसे दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। पर चलो ज्यादा नहीं करते, गाड़ी से एडवेंचर पर जाना ज्यादा बेहतर है। सब ठीक हो जाएगा। पर चाबियां गायब है। केविन चाबी के बजाय अपनी उंगली का प्रयोग करता है। अलार्म बज गया, दरवाजा खुला है। वो बहुत फायदेमंद है। और ये रही चाबियां, पिंकी ने उन्हें गाड़ी में छोड़ दिया था। पर गाड़ी चालू नहीं हो रही। लगता है बैटरी खत्म हो गई। हमें केविन की मदद की जरूरत होगी।
चलो देखें वो मैकेनिक की तरह कैसे काम करता है। बैटरी के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज और गाड़ी चल गई। बहुत बढ़िया, अब तुम राइड के मजे ले सकते हो और म्यूजिक के। पर केविन किसी बात से दुखी है। नहीं, उसे बस रिबूटिंग की जरूरत है। नहीं, गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। ये सड़क के बीचों बीच बंद हो गई। हाँ, लगता है उन्हें बाकी के रास्ते में अपनी गाड़ी को धक्का मारना होगा। जाहिर है कि ये केविन के लिए एक टास्क है और वो बढ़िया काम कर रहा है। आखिरकार हम जंगल में हैं। ये कैंप के लिए एकदम बढ़िया जगह है। ठंड हो रही है, हमें आग लगानी होगी। केविन काम पर लग जाता है। पहले तुम्हें कुछ पत्थर इकट्ठे करने होंगे, बहुत सारे पत्थर। आग के लिए जगह तैयार है। पिंकी ने कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली। स्टिक्स बहुत लंबी है, आपको उन्हें तोड़ना चाहिए। केविन इसके लिए अपने दांतों का इस्तेमाल कर सकता है। वो सौ की तरह है। अब बीवर्स के मुकाबले का कोई है। आप आग कैसे जलाएंगे? मैं माचिस लाना भूल गई। ऐसी चीजों की चिंता क्यों करनी जब आपके पास एक मल्टीफंक्शनल गैजेट बॉयफ्रेंड है। वो संसार में नाइफ की तरह है। इतनी कड़ी मेहनत के बाद मुझे प्यास लग रही है। काश मेरे पास कोल्ड ड्रिंक होती। केविन मदद के लिए मौजूद है। आखिरकार उसके पास बना बनाया फ्रिज है, उसमें पिंकी के लिए थोड़ा सोडा है। शानदार। लगता है केविन दोबारा कुछ करने वाला है। मजेदार। ओह, वो एक सही पेड़ ढूंढ रहा है। दांतों को चेनसो मोड में बदले। वाह, कितना बड़ा लॉग है। वो इसे कैसे चबा सकता है? वो बहुत प्यारा है। उसने आग के पास एक आरामदायक बेंच बना दिया। तुम बहुत बढ़िया हो। मुझे भूख लग रही है, बहुत भूख लगी है। फूड फाइंडिंग मोड को एक्टिवेट करो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? शिकार पर? चलो जंगल को स्कैन करो। मैंने निशाना देख लिया। लॉग 10 लोडेड। एक खरगोश, ये डिनर के लिए शानदार ऑप्शन है। पिंकी, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया। क्या तुम पागल हो? ये एक जीता जागता खरगोश है, तुम्हें इस पर तरस नहीं आता? ओह हाँ, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। मैं सॉसेज ले आई, मैं बस चाहती हूँ कि तुम इन्हें तल दो। खैर, ये हुई ना बात। बेचारे जानवर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। कितना प्यारा खरगोश है। तुम इतने प्यारे बच्चे को कैसे खा सकते हो? प्रकृति में रहने का एक बड़ा नुकसान होता है, बहुत सारे मच्छर। आउच, वो मुझे काट रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इन बग्स को डराकर भगा देंगे। हमें मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करना होगा और इसे केविन में डालें। हीटिंग मोड चालू करें। ये काम कर रहा है। हाँ, मॉस्किटो रेपेलेंट सिस्टम को एडजस्ट करना होगा। ऐसे तो इस इलाके में एक भी इंसेक्ट नहीं होगा। ये जगह बहुत बड़ी है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम सही तरफ जा रहे हैं। हमें कंपास का इस्तेमाल करना होगा। ये काम नहीं कर रहा। पर एक और भरोसेमंद ऑप्शन है। पर ये थोड़ा नीचे भी है। मैं समझ गई। ये सब रेडियो टावर की वजह से है। रिबूट। बढ़िया, चलते रहो।
क्या आपको रोबोट बॉयफ्रेंड के बारे में हमारे स्केचेस पसंद आए? क्या आप एक असली रोबोट से मिलना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप ट्रुम ट्रुम पर नए स्केचेस मिस ना करें।